हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 4 दैट इज सिंपल इक्वेशंस में ट्राई दीज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 60 पर गिवन है। तो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 10y-20। देखिए, आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है। ये एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन किससे मिलकर बना होता है? टर्म्स से। तो ये देखिए, 10y एक टर्म है और 20 एक टर्म है। यहाँ पे दो टर्म है इस एक्सप्रेशन में, दो टर्म है। डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ y। ये जो एक्सप्रेशन है ये y पर डिपेंड कर रहा है, y पर डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये वेरिएबल y है ना, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये y पर डिपेंड करेगा। आप y की जो भी वैल्यू डालोगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, आप y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालते जाओगे तो एक्सप्रेशन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आपको मिलती जाएगी। आगे देखिए, वेरीफाई दिस बाय गिविंग 5 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। आपको जो है 5 डिफरेंट वैल्यू लेनी है y की डिफरेंट डिफरेंट 5 वैल्यू लेनी है। एंड फाइंडिंग फॉर ईच y द वैल्यू ऑफ 10y-20। और y की हर एक वैल्यू पे आपको एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। Means 10y-20 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हर एक वैल्यू ऑफ y पे। ये जो 5 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लिया है आप लोगों ने, इस पे आप लोग को ये 10y-20 की क्या वैल्यू आ रही है ये आपको फाइंड आउट करना है। देन फ्रॉम द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ 10y-20 यू ऑब्टेन, जो आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑब्टेन करोगे इस एक्सप्रेशन का 10y-20 का, डू यू सी अ सॉल्यूशन टू 10y-20=50। क्या आपको एक सोल्यूशन ऐसा मिला है कि उसका आंसर 50 आया हो? ठीक है, एक मिनट, कि उसका आंसर 50 आया हो। इफ देयर इज नो सोल्यूशन, अगर आपको ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं मिला है, ट्राई गिविंग मोर वैल्यूज टू y। तो आप जो है y की और वैल्यूज लो और वहां पे देखो कि क्या आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू 50 मिल रही है। ठीक है, एंड फाइंड वेदर द कंडीशन 10y-20=50 इज मेट। और आपको वो कंडीशन बतानी है कि कब 10y-20 की वैल्यू 50 हो रही है। मींस वो वेरिएबल y की क्या वैल्यू होगी जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 50 हो रही है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखिए। एक्सप्रेशन आपको क्या दिया है? एक्सप्रेशन दिया है 10y-20। ठीक है, ये आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है। अब आपको 5 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y लेना है। तो चलिए हम y की वैल्यू ले लेते हैं, y=1। फॉर y=1 सबसे पहले हम y=1 ले रहे हैं। इस पे देखेंगे एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू आती है 10y-20 की। ये हो जाएगा 10 × y, y की वैल्यू 1 लिख देंगे, -20। सॉल्व करते हैं इसको। 10 × 1 = 10 - 20। 10 - 20 कितना आएगा? 10 पॉजिटिव में है, 20 नेगेटिव में है। डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा। 20 में से 10 गया 10। और साइन क्या लगेगा? जो लार्ज नंबर का साइन होगा, लार्ज नंबर का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव। ठीक है, तो y=1 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई -10। अब फॉर y=2 पे देखेंगे, फॉर y=2, फिर फॉर y=3, फॉर y=4, फॉर y=5। हमें 5 वैल्यू लेनी थी ना, 5 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। तो हम 5 वैल्यू अभी ले रहे हैं और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं हर एक y पर। तो यहाँ है 10y-20, y की जगह 2 पुट करिए, ये हो जाएगा 10 × 2 - 20। तो 10 × 2 = 20 - 20, क्या आ जाएगा? 20 - 20 = 0। अब y=3 पे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हैं, हो जाएगा 10 × 3, 10y है तो 10 × 3 - 20, 10 × 3 = 30 - 20, 30 में से 20 गया 10। ठीक है, y=4 पे चेक करते हैं, 10y - 20 की वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगा 10 × 4 - 20, 10 × 4 = 40 - 20, 40 में से 20 गया 20। अब इसको देखिए, 10y - 20, 10 × y की जगह आपकी 5 पुट करिए, 5 - 20, 10 × 5 = 50 - 20, 50 में से 20 गया 30। हमने 5 वैल्यू निकाल ली इस एक्सप्रेशन की, y के डिफरेंट डिफरेंट 5 वैल्यूज रख के इस एक्सप्रेशन के 5 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली है। ठीक है, अब क्या कह रहा है,
जो आपने ये वैल्यूज पुट की वाई की और जो आपने ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली, क्या आपको कहीं पे ये सोल्यूशन मिला क्या? 10y माइनस 20 इक्वल टू 50 कहीं मिला क्या? नहीं, 50 तो नहीं मिला आपको। क्या क्या मेरा माइनस 10 मिला, फिर 0 मिला, फिर 10 मिला, फिर 20 मिला, फिर 30 मिला, लेकिन अभी तक 50 नहीं मिला। तो अब आप लोगों को वो कंडीशन बतानी है जहां पे 50 आपको मिलेगा, ठीक है? तो चलिए, अभी आपको नहीं मिला है तो अब बोल रहा है कि ट्राई गिविंग मोर वैल्यूज टू y। अब आप y को और वैल्यूज दीजिए और देखिए कि कहां पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 50 आ रही है। तो चलिए y को हम और वैल्यूज दे देते हैं, इसमें 5 ही बोला था, उसके बाद बोल रहा है और वैल्यूज ले लो y की, चलिए और ले लेते हैं। हम फॉर y इक्वल टू 6 पे भी चेक करेंगे और फॉर y इक्वल टू 7 पे भी चेक करेंगे, ठीक है? अब चलिए, यहाँ पे है 10y माइनस का 20, ये हो जाएगा 10 इंटू 6, y की वैल्यू 6 माइनस का 20, 10 6 जा 60 माइनस का 20 कितना आ गया? 40 आ गया। अभी भी हमको 50 नहीं मिला। अब की बार चेक करेंगे 10y माइनस 20, y की वैल्यू आपकी 7 रखेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 7 माइनस 20, 10 7 जा 70 माइनस 20 क्या आ जाएगा? 50। यस, हमको ये सोल्यूशन मिल चुका है कि 10y माइनस 20 की वैल्यू 50 आ रही है, हमें ये सोल्यूशन मिल चुका है, ठीक है? तो पूछा था डू यू सी सोल्यूशन टू 10y माइनस 20 इक्वल टू 50, क्या आपको ये सोल्यूशन दिख रहा है? हाँ, यस, ये सोल्यूशन हमें दिख रहा है कि ये 10y माइनस 20 की वैल्यू 50 आ रही है। इफ देयर इज कंडीशन 10y इक्वल टू, अब क्या है, इफ देयर इज नो सोल्यूशन, ठीक है, ये हो गया। एंड फाइंड वेदर द कंडीशन 10y माइनस 20 इज इक्वल टू 50 इज मेट। अब आपको बताना है ऐसी कौन सी कंडीशन पे ये 10y माइनस 20 की वैल्यू 50 आ रही है। तो आप क्या लिखोगे? एट y इक्वल टू 7 पे, जब आपने y की वैल्यू 7 पुट करी तब आपको 10y माइनस 20 की वैल्यू 50 मिल रही है। तो आप क्या लिखेंगे? एट y इक्वल टू 7, 10y माइनस 20 इज इक्वल टू 50, दिस इज योर आंसर। होप फ्रेंड्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।